नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी से मिले इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन, भारत को बताया विश्व शक्ति, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का सहमत हुए हैं। बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत और बांग्लादेश के गहरे संबंध, कोई इसे कमजोर नहीं कर सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, कहा भविष्य में बिना अनुमति कैंपस में नहीं आए, दौरे से स्टूडेंट की सुरक्षा को खतरा। अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे, कहा हमारे संबंध कोई नहीं तोड़ सकता, टैगोर की जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम चौटाला का विवादित बयान, बोले हमारे यहां आवारा पशु को कहा जाता है खट्टर, 2024 से पहले टूट जाएगा गठबंधन। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर ममता बनर्जी ने गाना गाया, बोली साहित्य और कला में उनका महान योगदान। बहुविवाह पर लगाए प्रतिबंध, बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, विचार विमर्श करेगी विशेष समिति। चुनाव पर किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे पटनायक, विपक्षी एकता को झटका, का गठबंधन में शामिल होना घाटे का सौदा। केंद्रीय मंत्री बोले देश में सहिष्णु मुसलमान गिनती के ही बघेल, ने कहा उपराष्ट्रपति राज्यपाल वीसी बनने के लिए सहिष्णुता का मुखौटा पहनते हैं। शरद पवार बोले चौहान का कांग्रेस में क्या कद है, उन्हें पता करना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी को भाजपा की बी टीम बताया था। दिकेला स्टोरी फिल्म के निर्माता को सबके सामने फांसी दे दी जाए, बोले एनसीपी नेता जितिन अवार। राज्यों में बारिश, 17 राज्यों में बढ़ेगा तापमान, देश के ज्यादातर हिस्सों में चलेगी लू, कई राज्यों में 9 डिग्री तक बढ़ा तापमान। कोनू में एक और चीते की मौत, मेटिंग के दौरान मेल चीते ने पंजा मारकर घायल किया, अब 17 चीते ही बचे। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग शुरू, निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में मतदान किया, येदियुरप्पा वोट डालने के पहले मंदिर गए। खतरनाक हो सकता है मोचा तूफान, आईएमटी ने कहा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है हवा, लैंडफॉल के बारे में पता नहीं। योगी ने 22, अखिलेश ने 5 जनसभाएं की, बसपा कांग्रेस मैदान में नहीं आई, यूपी निकाय चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, वोटिंग से कल। ओवैसी ने पूछा अतीक अशरफ के हत्यारे कौन थे, मुख्यमंत्री बताए कहां से आई पिस्टल, क्या वो लश्कर के एजेंट थे। पड़ोसी ने छात्रा को पीट पीट कर मार डाला, गोरखपुर में शराब के नशे में छेड़खानी कर रहा था, विरोध करने पर किया हमला। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारी शुरू, राजकीय मेले को लेकर डीएम ने की बैठक, 27 जून से 4 जुलाई तक चलेगा मेला।
लखनऊ में दूल्हे ने की दुल्हन की हत्या। शादी के दिन ब्यूटी पार्लर ले जाने के बहाने से बुलाए, दुपट्टे से गला घोटकर जंगल में फेंका शव। गोवर्धन में महाराणा प्रताप रैली में पुलिस से हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने दो चेतक वाहन तोड़े, एक दरोगा गंभीर रूप से जख्मी। संजय शेरपुरिया की पत्नी और करीबी हुए अंडरग्राउंड, 6 दिन के रिमांड मंगलवार को ही खत्म, साथ देने वाले से भी होगी पूछताछ। नाइट ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या, जालौन में टॉर्च दिखाई तो बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। यूपी में फरवरी से कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म, डिमांड के बाद भी नहीं मिल रही वैक्सीन। इस बीच पॉजिटिव के 17,000 मौतें 57 हुई हैं। ग्रेटर नोएडा में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी की पत्नी ही मासूम को लेकर पहुंची थाने, आरोपी हुआ फरार। आगरा में 13 मई को रूट रहेगा डायवर्ट, आगरा फिरोजाबाद रोड पर काउंटिंग स्थल पर नवीन गल्ला मंडी के पास नहीं गुजरेंगे भारी वाहन। बुलंदशहर में विवाहिता को जहर खिलाकर मार डाला ससुरालीजन फरार, पिता बोले पति और सास ससुर दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। मऊ में किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान, नीम के पेड़ से लटकता मिला शव, देर रात घर से निकली थी। करवरिया बंधु की जमानत अर्जी खारिज, प्रयागराज के 27 साल पुराने हत्याकांड में 3 सगे भाई समेत 4 लोग काट रहे हैं सजा। उन्नाव में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में लटकता मिला शव, मां की 2.5 साल पहले ये हो चुकी थी मौत। वाराणसी एयरपोर्ट पर खुला पहला फ्री रीडिंग लाउंज, प्रधानमंत्री के पढ़ेगा इंडिया की सोच को मिलेगी गति। अमरोहा में दबंगों ने वृद्धा से की मारपीट, रास्ते को लेकर चल रहा है विवाद, घर पर अकेली थी। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली, तीसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा, गोवंशों को बिहार ले जा रहे थे। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में 11वीं की छात्रा लापता, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर लौट रही थी घर, परिवार ने जताई अनहोनी की आशंका। ग्रेटर नोएडा में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी की पत्नी मासूम को लेकर पहुंची थाने, आरोपी हुआ फरार। आगरा के कई हिस्सों में 3 दिन जलापूर्ति रहेगी ठप, ताजगंज में आज, शाहगंज के क्षेत्र में 11 और 12 मई को सप्लाई रहेगी बाधित। आजमगढ़ में फर्जी मतदान रोकेगी 17 स्पेशल टीमें, एसपी बोले नियम नहीं माने तो गैंगस्टर लगेगा, आधुनिक उपकरणों से चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट। मथुरा में बीएसए ऑफिस का कारनामा, राइट टू एजुकेशन में किया गया घपला, एक ही विद्यालय को दिखाया 6 जगह। जाम लगाने में भाजपा विधायक समेत 40 को सजा, झांसी में 16 साल पहले लगाया था जाम, विधायक रवि शर्मा समेत 40 दोषी। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में होगी कल्चर जांच, बेहद गंभीर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, 3 की जगह 8 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट।
व्यापारी नेता रतन गुप्ता की दीवार ढहने से मौत। कानपुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री में खोदा जा रहा था बेसमेंट, दबने से चली गई जान। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार, गोंडा पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर से पकड़ा। गोरखपुर में इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, व्हाट्सएप ग्रुप में ब्राह्मण विरोधी पोस्ट किया था, पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई की। अनिल दुजाना गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सहयोगी का 1.5 करोड़ का फार्म हाउस हुआ कुर्क, ढोल नगाड़े बजाकर चस्पा की गई नोटिस। श्रावस्ती में बाढ़ को लेकर प्रशासन एक्टिव, डीएम ने किया कटान निरोधी कार्य का औचक निरीक्षण, 2022 में सैकड़ों गांव हुए थे जलमग्न। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मिले, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी, तकनीकी के प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की। उत्तराखंड में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिएक्रिएशन सिस्टम का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने देखी दिकेला स्टोरी, कहा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश व विश्व में आतंकवाद की वास्तविक तस्वीर बयां कर रही है। राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का निधन, लंबे समय से थी बीमार। उत्तराखंड में हर महीने मिलेगी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन, सीएम ने दिए निर्देश, छात्रवृत्ति भी समय पर मिलेगी। बद्रीनाथ में चढ़ावे के लिए क्यूआर कोड लगाने के मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित, पर्यवेक्षण की टीम मामले की जांच करेगी। उत्तराखंड में 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, ऋषिकेश से 17 को रवाना होगा पहला जत्था। उत्तराखंड के ओम पर्वत के दर्शन कर वापस धारचूला लौटा यात्रियों का पहला दल, नहीं जा पाए आदि कैलाश। उत्तराखंड के एलबीएस अकादमी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। उत्तराखंड में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उप वित्त नियंत्रक बर्खास्त, केस दर्ज करने की भी संस्तुति। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार से मांगा जवाब, 27 जून को अगली सुनवाई। प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था जल्द होगी खत्म, सीएम धामी ने दिए निर्देश, जिलों का कैलेंडर बनेगा। उत्तराखंड जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिला को हाथी ने दौड़ाया, फिर सूंड से उठाकर पटका अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के रुड़की में सैनिक कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, मची भगदड़। हेली सेवा से केदारनाथ जाने वालों की हेलीपैड पर भी होगी स्वास्थ्य जांच, 11 जगह खुलेंगे कियोस्क। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा, 6 की मौत, पूरे देश में इंटरनेट बंद, लाहौर में गवर्नर हाउस जलाया।
डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण केस में जिम्मेदार ठहराए गए पीड़ित महिला राइटर को 41 करोड़ रुपए देने होंगे। 9 मेंबर की जूरी ने फैसला सुनाया। भारत आसियान देशों के युद्धाभास वाले इलाके में पहुंचा चीनी जहाज। भारतीय वॉरशिप से 80 किलोमीटर दूर रहा, नौसेना ने बंद किया ट्रैकिंग सिस्टम। रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए 10,000 सैनिक। पुतिन ने यूक्रेनी नेताओं को नाजी कहा, बोले पश्चिमी देश में हमें तबाह करना चाहते हैं। बाखमुत में पीछे हट रहे रूसी सैनिक, वैगनर ग्रुप चीफ ने अपने ही सैनिक कमांडर को बताया बेवकूफ। ट्यूनेशिया में यहूदी धार्मिक स्थल के पास गोलीबारी में 3 की मौत, 10 से अधिक घायल। धार्मिक स्थल को किया गया बंद। ब्रिटेन में भारतीय मूल के कई आरोपियों को दोषी ठहराए गए। मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी से जुड़ा है मामला। श्रीलंका की अदालत पर आदेश, राजपक्ष सरकार के पतन की वर्षगांठ पर न आयोजित हो कार्यक्रम। रूस में सोशल मीडिया स्टार हिज़्बुल्लाह दोस्तों संग गिरफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, वीडियो वायरल। इमरान खान की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बताया लीगल हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी, स्कूल बंद, भारत रख रहा है बारीकी नजर। ओएनडीसी पर 27% सस्ता मिल रहा है खाना, स्विगी जोमैटो को लग सकता है झटका। माई स्टोर और पिनकोड से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेंगलुरु में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट, फॉक्सॉन ग्रुप ने 303 करोड़ में खरीदी जमीन, 1,00,000 जॉब क्रिएट होने की उम्मीद। किया सोनेट का स्पेशल एडिशन आरोस लॉन्च, वॉइस कमांड और इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर, कीमत 11.85 लाख रुपए से शुरू। स्विगी जोमैटो को टक्कर देने आया नया ऐप, सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया फूड डिलीवरी ऐप वायु, जल्द ही शुरू होगी सर्विस। पोको F5 गेमिंग स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी और सेकेंड जनरेशन स्नैपड्रैगन 7 प्रोसेसर, शुरुआती कीमत 29। राजस्थान का लिथियम भंडार 80% डिमांड पूरी कर सकता है, आनंद महिंद्रा बोले चीन जैसी रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिए तेजी से कदम बढ़ाना होगा। नौकरी खोजने में मदद करने वाली कंपनी में छटनी, लिंक्डइन ने 716 एम्प्लॉयज को निकालने का किया ऐलान। चांदी में निवेश हो सकता है फायदेमंद, सिल्वर ETF के जरिए 100 रुपए से भी कम में कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हुई टाटा एल्ट्रोस CNG ए-ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली कार, 210 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा। व्हाट्सएप ने ट्रू कॉलर के साथ की पार्टनरशिप, यूजर्स को मिलेगी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस, मई लास्ट तक रोल आउट होगा फीचर। मुंबई ने 99 बॉल में चेंज किया 200 का टारगेट, वानखेड़े में बेंगलुरु को लगातार चौथा मैच हराए, सूर्या ने जड़े 83 रन। जयपुर में IPL मैच से पहले फिर विवाद, राजस्थान रॉयल्स को भेजा लीगल नोटिस, यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष बोले MOU की शर्तों का हुआ है उल्लंघन।
जोफ्रा आर्चर आईपीएल से बाहर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन होंगे रिप्लेसमेंट। मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता, अर्जेंटीना सर्वश्रेष्ठ टीम एक साल दोनों अवार्ड जीतने वाली मेसी पहले खिलाड़ी। सूर्या की पारी पर कोहली ने बचाई तालियां, नेहल ने कार पर मारी बॉल, ईशान का 102 मीटर लंबा छक्का। सूर्य कुमार के तूफान में उड़ी बेंगलोर, मैक्सवेल फॉफ के अर्धशतकों पर फिर पानी, मुंबई ने आसानी से जीता मैच। पाकिस्तान के फखर जमा बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार पारिया खेल अपने नाम किया खिताब। बतौर मैच फिनिशर आईपीएल 2023 में छाए रहे रिंकू सिंह, एमएस धोनी समेत इन दिग्गजों ने लिस्ट में अपने शामिल कर लिया है। अनिल जयसिंघानी के कई ठिकानों पर छापेमारी, आईपीएल से सट्टेबाजी से जुड़े मामले में कार्रवाई। हुड्डा को पहले भेजने से गुस्साए सहवाग, पूछा लखनऊ के कोच या कप्तान किसका फैसला था। मनोज बाजपेयी की फिल्म पर हुआ विवाद, आसाराम बापू ट्रस्ट ने मेकर्स को नोटिस भेजा, कहा फिल्म में बापू की गलत छवि दिखाई। पीएसयू ने वर्ल्ड वाइड की 300 करोड़ रुपए की कमाई की, 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी फिल्म रावण के बाद ऐश्वर्या विक्रम की ऑन स्क्रीन तीसरी फिल्म। केरल स्टोरी पर रोक की पिटीशन सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, पहले कहा था एक्टर प्रोड्यूसर ने मेहनत के फिल्म अच्छी है यानी बाजार तय करेगा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई 13 मई को दिल्ली में होगी सेरेमनी, 150 लोगों को भेजा गया न्योता। हाई जंप किक मारते दिखे टाइगर श्रॉफ, फिटनेस देख फैंस ने की तारीफ, बोले रियल एक्शन हीरो। मुंबई के बांद्रा में देखिए मलाइका अरोड़ा कैजुअल लुक में नजर आई, फैंस बोले लगता ही नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही है। सीआईडी एक्ट्रेस चंद्रिका साह ने पति के खिलाफ कराई एफआईआर, 15 महीने के बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुंबई में हुआ आदि पुरुष का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, खूबसूरत अंदाज में पहुंचे कृति सेन, भूषण कुमार ओम राउत भी आए नजर। जानवी कपूर ने भी शेयर किया वर्कआउट वीडियो, ट्रेनर के साथ दिया दमदार पिलाटेस सेशन, फैंस ने की फिटनेस की तारीफ। गोल्डन टेम्पल में बर्तन साफ करते दिखे विद्युत जामवाल, लोगों ने की सराहना, बोले मैन विद अ गोल्डन हार्ट। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।